हेलो एवरीवन, ये भी एक थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे हम, तो वो तीन टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। क्या टाइप्स होंगे? फर्स्ट प्रॉब्लम रहेगी, फर्स्ट टाइप ये रहेगा कि उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज कनेक्टेड हों, जो कि हम अभी पिछली प्रॉब्लम भी हमने वही की थी और अभी ये प्रॉब्लम भी फर्स्ट केस की ही है। सेकेंड केस हमारा रहेगा जब बोथ सोर्सेज रहेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, दोनों ही सोर्सेज इन्वॉल्व होंगे। और थर्ड प्रॉब्लम हमारी रहेगी, थर्ड टाइप रहेगा, जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज हमारे सर्किट में रहेंगे। तो अभी फर्स्ट केस चल रहा है हमारा, जिसमें कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। तो यहाँ एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है एंड फाइंड आउट करना है हमें क्या थेवेनिन इक्विवेलेंट, ये है हमारा लोड जो कि 4 ओम्स है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब भी हम थेवेनिन थ्योरम के लिए प्रोसीड करते हैं? सबसे पहले स्टेप हमारी होती है ओपन सर्किट करना, जो भी हमारा लोड है उसे। तो हमारा लोड क्या है? 4 ओम्स का ये रेजिस्टेंस। तो इसे जैसे ही हमने ओपन किया, ठीक, जैसे ही हमने इसे ओपन किया तो हमें यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना है या थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम वोल्टेज डिवीजन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, इसे मैं बोल देती हूँ वी ए और इसे मैं बोल देती हूँ वी बी। ठीक, तो वी टी एच विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वट इज वी ए? वी ए इज वोल्टेज अक्रॉस दिस 60 ओम रेजिस्टेंस। VA is equal to 60 ohm resistance, which will be equal to, according to voltage division, this 100 volt multiplied by 60 divided by 100, that is 40 plus 60, which is equal to 60 volts. What is VB? VB is equal to voltage across 20 ohm resistance, which is equal to 100 into 20 divided by 30 plus 20, which is equal to 100 multiplied by 20 divided by 50, which is equal to 40 volts. What is VTH? VTH is equal to VA minus VB, which will be equal to 60 minus 40 equal to 20 volts. Step number 3 हमारे finding out RTH. RTH निकालने के लिए हमने क्या कहा था, जितने भी independent sources होंगे उनको हम inactive करेंगे। तो हमारे पास क्या है independent source? ये 100 volt का voltage source है, इसको inactive करना मतलब हम इसको short circuit से replace करेंगे। क्योंकि ये टर्मिनल्स ऐसे निकले हुए हैं हमारे ए एंड बी, इसका मतलब ये 40 ओम्स और ये 60 ओम दोनों पैरेलल में होगा और ये 30 ओम और ये 20 ओम दोनों पैरेलल में होगा। तो हम इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। ये है टर्मिनल ए और ये है बी, इसको मैं लिख सकती हूँ 40 ओम, 60 ओम्स, 30 ओम्स एंड 20 ओम्स। फर्दर सॉल्व करने पे हम पाएंगे इस तरह से टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी यहाँ पर है, जिसमें कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 60 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 आर वन इज इक्वल टू एंड आर टू इज इक्वल टू क्या होगा, ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 50। ठीक, तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा 24 ओम्स और इसका आ जाएगा
12 ohms. This will be equal to 24 ohms, 10 ohms. Or RAB या RTH will be equal to 36 ohms. ये हमारा final RTH का value आया. After finding out VTH and RTH, हम last step क्या करते हैं? Equivalent circuit को draw करते हैं. तो equivalent circuit हमारा क्या है? एक voltage source जो कि है VTH in series with RTH. RTH का value 36 ohms अभी हमने निकाला था और VTH is equal to 20 volts. लोड हमारे पास में है 4 ohms. इसके आगे यदि आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द करंट थ्रू द लोड, तो आप निकाल सकते हैं, सिंपल है. अब यहां पर लूप या केवीएल हम लगा देंगे. VTH माइनस 36 इंटू आई माइनस 4 इंटू आई इज इक्वल टू 0. 20 माइनस 36 आई माइनस 4 आई इज इक्वल टू 0 और I is equal to 0.5 amperes. Similarly, power निकालना हो तो power भी आप निकाल सकते हैं 4 ohm से. I square R करके आप power निकाल देंगे 0.5 square into R जो कि हमारा 4, तो it is equal to 0.25 into 4, 1 watt.